राहुल मेरा हैंडसम बेटा. कितना टाइम लगा दिया? हाँ कहाँ रह गया था तू? कब से इंतजार कर रहे थे? अरे राज कुछ तो समझा कर, शादी से पहले लड़की को इम्प्रेस करने का एक भी मौका छोड़ नहीं सकते. तुम्हें नहीं पता वो एक्चुअली राज अंकल को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था. किस बारे में? मानवी वो पूरी मीडिया और प्रेस को राहुल ने ही बुलाया था. मैं तुमसे बात कर रही हूँ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है? या फिर ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा ध्यान वहाँ बाहर के फंक्शन में? क्योंकि अगर आपने मुझे कुछ सिखाया होता या फिर कुछ परफॉर्म करने का मौका दिया होता ना, तो आज कुछ सीख भी चुका होता और कुछ कर भी चुका होता. ना कभी कुछ सिखाया ना कभी कुछ परफॉर्म करने दिया, राइट? क्योंकि आपके पास वक्त ही नहीं था. एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह. एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह. और जो तन मन पे हो रहा है ये तो होना ही था. अब इसके बाद सुजॉय और मानवी का डांस है, पर सुजॉय दिखाई नहीं दे रहा है. कहाँ है वो? आपने देखा कहीं? अरे यही होगा. अच्छा हम देख के आता है. हाँ हाँ टेंशन मत लो. अबे तू ये बता, तू अय्याश से सीधा टिप शरीफ कब से बन गया यार? मतलब कैसे करता है यार तू? अच्छा वो सब छोड़, तेरी जो गली गली में गर्लफ्रेंड्स हैं उनका क्या होगा? अबे शराफत की तो एक्टिंग है दो चार दिन की. वो क्या है ना कि फैमिली को भी तो चुप कराना है, और वैसे भी एक बार शादी हो जाए बस, उसके बाद तुझे तेरा दोस्त वापस मिल जाएगा. अब बेचारी लड़कियों को कैसे छोड़ सकता हूँ मैं भाई, मेहनत लगती है बटाने में. अबे वो तो ठीक है, लेकिन मानवी को कैसे बताएगा? मतलब वो थोड़ा ना मानेगी यार. अबे उसे कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा मैंने. उसकी नजर में तो मैं हीरो हूँ हीरो. इतनी बदनामी होने के बावजूद जो अपना रहा हूँ उसे. फुल प्रूफ प्लानिंग कर रखी है ना. मुझे लगता है मुझे तुझसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी यार, मतलब सच में यार. अच्छा वैसे उस लड़की का नाम क्या था? वो माँ मानवी. मानवी यार, जब से मैंने मानवी को देखा है ना, मैं किसी और के बारे में कभी सोच ही नहीं पाया. मैं बहुत लकी हूं कि मुझे मानवी जैसी पार्टनर मिल रही. तुम बहुत अच्छा लड़का है सुजॉय. मानवी के लिए तुम एकदम परफेक्ट है. हम जानता है तुम उसको जीवन में बहुत खुश रखेगा. अच्छा अभी चलो, नेक्स्ट डांस तुम्हारा और मानवी का है. सब वेट कर रहा है तुम्हारे लिए. जी अंकल आप चलिए, बस मैं आता हूँ. जल्दी आना बेटा. अबे मरते मरते बच गए. ये तो शुक्र है मैंने उन्हें आते हुए देख लिया, वरना तो आज गए थे हम. चल चलते हैं. अरे आज मेरे पोते का संगीत है, किसी को बैठना नहीं है. चलो ए म्यूजिक शुरू करो, नाचो गाओ चलो. पंजाब का पुत्र है पिंड जलंधर, यार वही वही अखियों से किल कर दा. किंग टाइप दा है तंग लाइफ दा, यार वही वही खेतां विच चिल कर दा. Do it my way, नहीं ते हाईवे, इनको फर्क यारो की ही पहनदा. किसकी दुखी और किसकी यारा दा ईमान, मिसकी उस पे चिकन हो तो हो
पंजाबी चिगली ना पटे इजली वो वाले सारे पटाखे और रॉकेट चटर्जी के पंडाल की तरफ घुमा दिए हैं। बस अब एक चिंगारी यहाँ से लगाने की देर है। आग सीधा जाके वहाँ लगी और 5 मिनट में पूरी पार्टी तहस नहस हो जाएगी। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप चाहते थे सर। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी सर। इतनी नफरत करनी थी तो मुझे अपने प्यार में क्यों पड़ने दिया मानवी? मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे रोकूं तुम्हारे ख्यालों को बार बार मेरे दिमाग में आने से? हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, उससे जुड़ी हर छोटी छोटी रस्म में उसे खुशी मिले। फिर क्यों तुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा मानवी? ये कैसा खालीपन है, कैसा अधूरापन है जो तुझे खुशी नहीं दे रहा? क्या हो रहा है मुझे? तुम्हारे पापा जब उन्हें जरूरत थी तो मेरे ऊपर एक झूठा केस डालने की कोशिश की पैसे लेने के लिए, और जब वहां बात नहीं बनी तो तुम्हें भेज दिया मेरे पास।
मानवी अरे आग तेजी से फैल रही है, प्लीज बाहर चलिए अंकल। अरे मानवी मानवी किधर है? चलिए अरे मानवी हो गए हैं क्या ये लोग? ये मानवी के चक्कर में पता नहीं कहां फंसा जा रहा हूं। मेरी बच्ची को बचाओ, सुजाए जाओ। क्या बोलूं इन लोगों को, कुछ नहीं मानेंगे। अंदर जाने की एक्टिंग करता हूं और वापस आ जाता हूं। एक ही तरीका है इनसे बचने का। मानवी को बचा लो सुजाए जाओ। मैं देखता मानवी कहां फंस गया यार, कहां ढूंढू इसको। मानवी यही मौका है राहुल को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का, सबके सामने हीरो बनने का। मैंने सुना है कि हमारे पड़ोस वाले हॉल में जो दूसरा फंक्शन हो रहा था ना, वहां पे उनके टेंट में आग लग गई है। I just hope किसी को चोट नहीं लगी हो। क्या सुना ले तुम, सारी दुनिया की टेंशन लेने लगती हो। अरे अगर कुछ मेजर हुआ होता तो अभी तक खबर आ गई होती, और वैसे भी इस तरीके के छोटे मोटे एक्सीडेंट तो हर रोज कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं। तुम टेंशन मत लो, हालांकि मुझे दुख है कि बेचारों के साथ ऐसा हुआ, बेचारों का फंक्शन खराब हो गया। खैर छोड़ो ये सब, वो राहुल और अवंती का परफॉर्मेंस होने वाला ना अभी। राहुल कहाँ है? अभी तो यही था कुछ देर पहले, आपने देखा? नहीं मैंने भी नहीं देखा, पता करते हैं ना। शालीन ओ, सो डैड का लाडला बेटा अपनी सगाई से भाग गया। इंटरेस्टिंग,
अब क्या करेंगे ये सब? सुनाली, पता चला राहुल का? कहाँ चला गया लड़का? राज, इससे सुन क्या कह रहा है। सर, मैंने अभी राहुल जी को पीछे वाले रास्ते से दूसरे हॉल की तरफ जाते हुए देखा जहाँ पे आग लगी हुई है। क्या राहुल? राहुल वहाँ क्या? राहुल, 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 राहुल बेटा कहाँ है तू? राहुल, राहुल, राहुल आवाज तो राहुल, राहुल, मानवी, मानवी, अगला पानी, पानी लो, मानवी, हर्ष, मानवी किधर है? बाबा, मानवी को बुला, क्या हुआ बाबा? मानवी यहाँ है। मानवी, 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 मानवी कैसी है? अरे मानवी, 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 मानवी क्या हुआ? उठ जा बेटा, मानवी। अच्छा हुआ मैं वक्त पर पहुंच गया। अगर मैं वहाँ एक मिनट भी लेट पहुंचता तो आज मानवी के साथ पता नहीं क्या हो जाता। सुजाय, सुजाय बेटा, तुम भगवान है, हमारे लिए देवदूत है तुम, हमारे लिए तुम जो आज किया है ना, वो हम कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा बेटा। अगर आज सुजाय हिम्मत करके अंदर नहीं जाता तो मानवी को क्या? आंटी क्या बोल रहे हो आप? ऐसे कैसे नहीं जाता मैं? अगर आज मानवी को कुछ हो जाता तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाता। मैं प्यार करता हूँ मानवी से। मानवी आँख खोल, मानवी, 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 अरे अंदर कोई नहीं है, ये फंसा था हमारा, हमारा बेटी हम लेके आया, अंदर कोई नहीं है। नहीं नहीं, कोई और भी अंदर है। क्या हालत होगी उसकी, आग और धुआं कितना फैल चुका है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। अरे बाबा, अरे बाबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप कहीं मत जाइए। अरे अरे तुम सुनो नहीं, अंदर कोई फंसा है, हो सकता है हमारा कोई गेस्ट हो। देखो शिल्पा, हम नहीं चाहता कि हमारा बेटी का शादी में कोई आप शक हो, कोई मुश्किल में, हमको जाना पड़ेगा मदद के लिए। चलो चलो जल्दी चलो, राहुल, राहुल, कोई है? अरे कोई है? राहुल, 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 रुको रुको रुको, मैंने क्या था? मानवी, ये सांस नहीं ले पा रही है, इसे क्या हो गया? आंटी, मां जी, आंटी, हमें से अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, इसकी शायद धुएं की वजह से सांस फूल रही है। माँ आपको पता है ना, जब मानवी छोटी थी तो उसको लंग्स में प्रॉब्लम हुआ था, लगता है वो रिलैक्स हो रहा है। मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। सुजॉय, सुजॉय तुम जाके बाबा को ढूंढ के लेके आओ, मानवी को उनकी जरूरत है। राहुल, 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 तुझे कह रहे, राहुल, मानवी, राहुल, मानवी, डैड, डैड वो कहाँ है? कौन? अवंती बेटा, अवंती सी क्या बेटा? तू कहीं से मिले? डैड मानवी, मानवी अभी यहीं थी डैड। बेटा तू किसकी बात कर रहा है तू? अवंती जी का तू चल यहाँ से, तू चल निकल यहाँ से, निकल। अरे कोई है उधर? अरे कोई कोई है? अरे सुनो, उधर से मत जाओ, इधर से जाओ, इधर रास्ता है। अंकल चलिए यहाँ से, यहाँ बहुत खतरा है अंकल, प्लीज चलिए। सुजाय उधर देखो, कुछ लोग फंसा हुआ है, उनको खतरे में छोड़कर हम नहीं जा सकता। कैसा आदमी है ये, इसके चक्कर में मैं दोबारा फंस गया। अंकल उन तक मदद पहुंच गई है, वो लोग बाहर निकल जाएंगे, आप प्लीज चलिए मेरे साथ। मानवी की हालत बहुत नाजुक है अंकल, उसको हमें हॉस्पिटल ले जाना होगा जल्दी से जल्दी। अंकल उसकी सांस बहुत चढ़ रही है, चलिए प्लीज। मानवी का सांस चढ़ गया? हाँ हाँ अंकल। अरे एम्बुलेंस बुलाए कि नहीं? अंकल चलिए। मानवी, डैड मेरे ऊपर कुछ गिर गया। डैड वो अभी भी अंदर है। डैड तू यहाँ क्या करने आया था? एक मिनट, डैड वो अंदर है। डैड बेटा कोई नहीं, तो आखिरी था, टेंशन मत ले, यहाँ से निकल, निकल यहाँ से। मानवी, मानवी, ऐ मानवी, 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 ऐ मानवी को होश आया? होश आया, पर
सांस चढ़ रही है, वो खांस रही है, सांस नहीं ले पा रही है। मेरी बच्ची को बचा लीजिए। बेटा आगे खोल बेटा, देख हम बाबा बाबा बुला रहे हैं बेटा, मारो भी। ये सब उस राज सबरवाल की वजह से हुआ है, आपकी और उसकी दुश्मनी की वजह से हुआ है। उनके पटाखों की वजह से ये टेंट में आग लग गई। हमारे घर में पहली शादी, इतने दिनों बाद खुशी का मौका आया था, सारा बर्बाद हो गया। आज आपकी और उनकी दुश्मनी की वजह से मेरी बच्ची की जान चली जाती थी। हेलो, देखिए देखिए मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी से एम्बुलेंस भेजिए। हाँ हाँ हाँ, एड्रेस लिखिए आप। राज सबरवाल बार बार हमारा जिंदगी में तूफान लेके आता है, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं। वो मानवी को मारने का कोशिश किया, छोड़ेगा नहीं उसको, छोड़ेगा नहीं।